तो हरियाणा सरकार जाट आंदोलन पर बातचीत के लिए तैयार है। वहीं हरियाणा विधानसभा में आपको बता दें कि 31 मार्च 2016 तक की कैग रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गई है। कैग की इस रिपोर्ट में सरकार के कई विभागों में खामियों का खुलासा किया गया है और साथ ही कैग की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के क्रियान्वयन में कमी होने की बात सामने आई है। हरियाणा के महालेखाकार की ओर से प्रदेश सरकार की 31 मार्च 2016 तक की ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई। कैग की इस रिपोर्ट में फिस्कल घाटे और बढ़ते हुए कर्ज पर फिक्र जाहिर की गई है। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार का राजस्व 7% कम हो गया है। इंक्रीजिंग फिस्कल डेफिसिट ऑफ द स्टेट, फिस्कल डेफिसिट गत वर्ष के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है और इंटरनल डेट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि हरियाणा सरकार ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम को हर राज्य में अच्छे से लागू नहीं किया। इस अभियान के नाम पर पैसे कहीं और खर्च किए गए। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन है, जो स्कीम है, बहुत ही अहम स्कीम है, बहुत वेल थॉट आउट स्कीम है, अच्छा स्कीम है, पर इसमें और जोरों शोरों से काम करने की जरूरत है। और खासकर मैं सोचती हूँ कि PNDT एक्ट को ज्यादा मजबूती से इन्फोर्स करने की जरूरत है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर रिपोर्ट में रोहतक PGI पर कैग की रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल जो PGI रोहतक का किया है उसमें हमने बहुत सारे कमियां पाई। हमने कुछ अच्छे ऑब्जर्वेशंस लिए हैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के भी, जहां हमने कुछ सिस्टम्स में डिफेक्ट पाए, रेकंसिलिएशन ऑफ बेसिक रिकॉर्ड्स नहीं किए गए, इंटरनल कंट्रोल्स में वीकनेसेस थे, जिसके वजह से ऑडिट ने पॉइंट आउट किया कि कुछ ओवर पेमेंट्स हैं। कैग ने विधानसभा में साल 2016 में रिपोर्ट पेश कर दी है। इस रिपोर्ट में सरकार के कई विभागों में खामियों का खुलासा किया गया है। ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़।